गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होती है, और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। इट मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। इन रूट्स को फाइंड करना हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके हमें दोनों फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। तो यहां पर जो रूट 2 है वो एक लीडिंग कोफिशिएंट है। और 5 रूट 2 कांस्टेंट टर्म है। रूट्स फाइंड करने की प्रोसेस में हम लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। मींस रूट 2 और 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई करने पर यहां पर 10 ऑप्टेन होता है। उस 10 को हमें फैक्टराइज करना होता है, जो कि प्लस करने पर 7 प्रोड्यूस करता है। तो 10 के सिंपली 2 फैक्टर्स हैं 5 एंड 2, जिनको हमें ऐड करने पर 7 ऑप्टेन होगा। मींस हम इस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 की फॉर्म में। मींस इक्वेशन बिकम्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू इक्वल टू 0। रूट 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। शुरू के दो टर्म से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो है x। x कॉमन लेने पर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्रोड्यूस होता है। यहां पर इन दोनों टर्म में कॉमन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लेने पर 2 से अंडर रूट 2 कॉमन लेने पर बचा रूट 2 एंड एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन ये टर्म दोनों टर्म में कॉमन आ सकता है, विच इज रूट 2 एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। सिंपली दो फैक्टर प्रोड्यूस हुए, रूट 2 एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। मींस टू फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 दे रहा है। इट मींस या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। इफ रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2 एंड इफ एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस। इस टाइप से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट फाइंड आउट। स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं, x स्क्वायर का मल्टीपल रूट 2 लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, 5 रूट 2 कांस्टेंट टर्म होगा, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे 10 प्रोड्यूस होगा। उसको हमें फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि इस सिंबल को देखकर, इस साइन को देखकर हम बताते हैं कि 10 के ऐसे फैक्टर जो कि ऐड करने पर 7 है। तो मींस 5 2 जा 10 और 5 और 2 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 7। इसी 7 को मैंने यहाँ बैक करके 5 प्लस 2 लिखा, देन मल्टीप्लाई किया, शुरू के दो टर्म से x कॉमन लिया, लास्ट के 2 टर्म से रूट 2 कॉमन लिया, देन अगेन दो फैक्टर कॉमन आए रूट 2 x प्लस 5 एंड x प्लस रूट 2। दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इट मींस इनमें से कोई एक 0 है। दोनों केस अराइज हुए, हमने यहाँ पहले फैक्टर को 0 किया x इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 प्रोड्यूस हुआ, सेकेंड फैक्टर को 0 करने पर x इक्वल टू माइनस रूट 2 प्रोड्यूस हुआ, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 10 है लीडिंग कोफिशिएंट। और 10 है कांस्टेंट टर्म, 10
और 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमको 10 प्रोड्यूस करेगा। उस 10 को हमें फैक्टराइज करना होगा और ऐसे फैक्टर जो कि माइनस करने पर, ये सिंबल ये माइनस साइन देखने पर, 10 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर मुझे 3 प्रोड्यूस करना। देन 10 से दो फैक्टर होंगे 5 एंड 2, 5 माइनस 2 गिव्स 3। देन इस 3 को मैं राइट कर सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इनटू x माइनस 10 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगेन इन दो से हम x कॉमन ले सकते हैं, इन दो से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने पर बचा x माइनस 5 एंड प्लस का 2 कॉमन लेने पर बचा x माइनस 5। अगेन हम इन दोनों टर्म से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 5 को कॉमन लेने पर यहाँ बचता है x और यहाँ पर प्लस का 2। अगेन दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस या तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा। देन x की दो वैल्यू ऑब्टेन होगी, x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। दीज आर द रूल्स ऑफ इक्वेशन के। नेक्स्ट सी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देयर रीडिंग कोएफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज 1/8। नाउ इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर जो ये टर्म है ये फ्रैक्शन फॉर्म में, देन मैं बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन बनेगी 16x² - 8x + 1 = 0। मल्टीप्लाई हम से मल्टीप्लाई by 8 on both sides। अब रीडिंग कोएफिशिएंट सिक्सटीन है और कांस्टेंट अब 1 है, जितनी मल्टीप्लाई करने पर 16 प्रोड्यूस होगा। रीडिंग कोएफिशिएंट 16 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, जिनका प्रोडक्ट करने पर हमें 16 मिल रहा। 16 के ऐसे फैक्टर करें ये प्लस साइन जो कि जोड़ने पर हमको 8 प्रोड्यूस करें। 16 के फैक्टर्स होंगे 4 4 16 और 4 और 4 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 8। देन मैं इस 8 को राइट कर सकता हूँ 16x² - 8 को मुझे फैक्टर की हेल्प से लिखना है 4 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस x की मल्टीप्लाई करूंगा एंड ब्रैकेट ओपन करूंगा। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। स्टार्टिंग के टू टर्म्स 4x कॉमन, लास्ट के टू टर्म्स 1 कॉमन। 4x कॉमन लेने पर यहां पर बचेगा 4x - 1, एयर -1 कॉमन लेने पर बचेगा 4x - 2। -1 कॉमन इसीलिए लिया जाता है ताकि ये दोनों फैक्टर सेम हो। अगर मैं +1 कॉमन लेता देन यहां पर बचता -4x + 1, क्योंकि मुझे अगेन कॉमन लेना होता है, इसलिए मैंने यहां -1 कॉमन लिया। अगेन ये दो फैक्टर कॉमन आ गए 4x - 1। देन दूसरा यहां पर 4x - 1 कॉमन आने के बाद बचा 4x एयर -1 आल्सो। देखा जाए तो दोनों फैक्टर सेम हो गए 4x - 1 एंड 4x - 1। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं, व्हिच इज व्हिच आर 1/4 एंड 1/2। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमने आज तीन इक्वेशंस डिस्कस की जिनमें की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना हमने सीखा। सिंपली मेथड वही रहेगा, रीडिंग कोएफिशिएंट आपको देखना है, कांस्टेंट टर्म देखना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देन जो डिजिट मिले उसको फैक्टराइज करना, इस साइन के थ्रू हमें देखना है कि हमको यहाँ पर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमको ये सेम डिजिट मिल जाए। मींस यहाँ पर जैसे प्लस का साइन है तो ऐसे फैक्टर्स को जोड़ने पर तो 7 है, यहाँ पर माइनस का साइन है मींस 10 के वो फैक्टर उनमें माइनस करने पर हमें 3 प्रोड्यूस हो। यहाँ पर प्लस का साइन है मींस 16 के फैक्टर जोड़ने पर हमें 8 मिले। तो बचे हुए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप होमवर्क में करें। एक
नंबर्स आपका रहेगा एक्सरसाइज 4.2 और रिमेनिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन 1. थैंक यू.